नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। खबरों की ओर रुख करेंगे तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की राज्य मुख्यालय कमलम में बैठक शुरू हो गई है। तो बैठक का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, तो वहीं इस बैठक में सीएम भूपेंद्र पटेल को बीजेपी विधायक दल का नेता भी चुना गया है। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है, तो सुबह 10:30 बजे से ये बैठक शुरू हुई थी और अब ये बैठक खत्म हो गई है। तो बैठक का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है, तो वहीं इस बैठक में सीएम भूपेंद्र पटेल को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। तो वहीं गुजरात में विधायक दल की बैठक शनिवार सुबह 10:30 बजे से शुरू हो गई थी, जिसमें सभी विधायक अपने नेता का चुनाव करने वाले थे। तो इसके बाद बीजेपी राज्यपाल से मुलाकात कर आज सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जाएगा। तो 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भी सभी शामिल होंगे। तो शपथ ग्रहण समारोह विधानसभा के पीछे हेलीपैड ग्राउंड पर आयोजित किया जाएगा। तो जिस तरह से गुजरात में बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की है, एक रिकॉर्ड कायम किया है, तो वहीं पर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की आज राज्य मुख्यालय कमलम में बैठक भी हुई है। 10:30 बजे से ये बैठक शुरू हो गई थी, तो बैठक अब खत्म हो चुकी है। तो बैठक का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था, तो वहीं इस बैठक में सीएम भूपेंद्र पटेल को बीजेपी विधायक दल का नेता भी चुना गया है। तो गुजरात में एक ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने दर्ज की थी, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था। तो बड़ी जीत के साथ उन्होंने गुजरात में वापसी की थी। तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की राज्य मुख्यालय कमलम में आज बैठक भी हो रही है। सुबह 10:30 बजे से ये बैठक शुरू हो गई थी। तो बैठक में आज विधायकों द्वारा अपना नेता चुना जा रहा था। तो बैठक का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था, तो वहीं इस बैठक में सीएम भूपेंद्र पटेल को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो शिवम, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की आज बैठक हुई थी, तो बैठक में क्या कुछ खास रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई और जैसा कि बबिता पहले से तय था, एक औपचारिक ऐलान मात्र भर बाकी था पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल का, लेकिन वो ऐलान हो गया है। भूपेंद्र भाई पटेल ही गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे, विधायक दल का नेता उन्हें चुना गया। पर्यवेक्षक गए हुए थे गांधीनगर में, जिसमें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा शामिल थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को बतौर पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। इसके बाद विधायक दल की बैठक होती है और इसमें फैसला लिया जाता है कि भूपेंद्र भाई पटेल ही गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि ये कोई इसमें अचंभा करने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। जब गुजरात विधानसभा के नतीजे आ रहे थे तो गुजरात के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के सी आर पाटिल साहब, उन्होंने कह दिया था कि भूपेंद्र भाई पटेल ही मुख्यमंत्री होंगे और तारीख भी मुकर्रर कर दी गई थी बबिता। 12 तारीख को दोपहर 2 बजे गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। तमाम दिग्गजों को बुलाया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। इसके साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं उन मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह है बबिता, 1962 में जब पहली बार विधानसभा के चुनाव गुजरात में हुए थे, तब से लेकर 2022 यानी कि अब तक पिछले 60 सालों में गुजरात के इतिहास में 150 से ज्यादा सीटें, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल नहीं रहा जो ला पाया हो। 156 सीटों के साथ प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की गुजरात विधानसभा चुनाव में। जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा था, नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेगा और वो रिकॉर्ड भूपेंद्र भाई पटेल ने तोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है प्रधान मुख्यमंत्री भी उन्हीं को बनना चाहिए और यही अनुमान लगाया जा रहा था सी आर पाटिल के बयान के बाद, क्योंकि सी आर पाटिल प्रदेश अध्यक्ष एक बड़ा चेहरा गुजरात बीजेपी का। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भूपेंद्र भाई पटेल ही मुख्यमंत्री होंगे और अब भूपेंद्र भाई पटेल शपथ लेने जा रहे हैं। 12 तारीख को दोपहर 2 बजे गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें तमाम दिग्गज मौजूद होंगे बबिता। बिल्कुल शिवम, एक बात आपने बिल्कुल सही की है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने गुजरात के इतिहास में एक और इतिहास रच दिया, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, तो वहीं भूपेंद्र पटेल को बीजेपी विधायक दल का एक और बार नेता चुना गया है। तो वहीं कहा जा रहा है कि राज्यपाल को भी जल्द ही नई सरकार के गठन का वो जो दावा है वो पेश कर देंगी।
बिल्कुल, राज्यपाल के पास थोड़ी देर बाद 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। 2 बजे जाएंगे भूपेंद्र भाई पटेल और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। ये भी एक औपचारिकता भरी है राज्यपाल के, जब भी कोई नई सरकार चुनी जाती है वो जब रिजल्ट आता है उसके 2-3 दिन बाद राज्यपाल के पास जाया जाता है। जो भी सरकार बहुमत में आती है और फिर जो भी दल बहुमत में आता है, फिर राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया जाता है। तो यही आज भूपेंद्र भाई पटेल करने जा रहे हैं, अपने विधायकों के साथ जाएंगे बिल्कुल राजभवन। शिव, 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह भी है, क्या कुछ तैयारियां उसको लेकर भी देखी जा रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास उसको लेकर? देखिए, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मतलब तैयारियां शपथ ग्रहण की जब गुजरात विधानसभा के रुझान आ रहे थे, बबीता हम बता रहे थे इंडिया वॉइस पर लगातार, उससे पहले से ही की जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित मान के चल रही थी पहले से ही कि उनकी जीत पक्की है, उन्होंने अनुमान लगा लिया था। और शपथ ग्रहण की तैयारियां कोई अभी 2-4 दिन से नहीं, विधानसभा चुनाव जब संपन्न हुए उसके बाद से शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू कहीं। फिलहाल फाइनल लिस्ट बन चुकी है, लिस्ट को टच कर दिया गया है, टचअप हो गया है लिस्ट का, कि किन किन को बुलाया जाना है, कौन कौन से राज्यों के मुख्यमंत्री, कौन कौन से नेता इसमें शामिल होंगे। और इसमें भूपेंद्र भाई पटेल के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भारतीय जनता पार्टी में खासा उत्साह है बबीता, क्योंकि ये पहली बार है जब 150 का आंकड़ा किसी भी राजनीतिक दल ने छुआ है। क्योंकि नरेंद्र मोदी का जादू जब गुजरात में चलता था, हालांकि अभी भी चलता है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी गुजरात के नेता हुआ करते थे, बतौर मुख्यमंत्री थे, उस दरमियान भी इतनी रिकॉर्ड तोड़ जीत नहीं लगी गुजरात में बीजेपी को। ये पहली बार है कि जब 156 सीटें बीजेपी की गुजरात में आई, और जाहिर तौर पर उत्साह है कार्यकर्ताओं में, जोश है, उस जोश को मद्देनजर रखते हुए तैयारियां भी प्रचंड तरीके से की जा रही हैं। और इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हो गई है, तो बैठक में तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शामिल हुए हैं। तो बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान आज औपचारिक तरीके से कर दिया जाएगा। तो वहीं ललन सिंह को आज बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, तो ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। हालांकि इससे पहले भी उनके नाम का ऐलान हो रहा था, लेकिन अब औपचारिक तरीके से आज उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हो गई है, तो बैठक में तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शामिल हुए हैं। तो वहीं बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान कर दिया जाएगा, तो वहीं ललन सिंह को आज बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी, तो ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो औपचारिक तरीके से आज ऐलान कर दिया जाएगा नीतीश कुमार द्वारा। तो तस्वीरें आपको पटना से दिखा रहे हैं, जहां पर जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हो गई है, तो बैठक की शुरुआत हो गई है, तो बैठक में तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हुए हैं। इसी दौरान बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान भी कर दिया जाएगा, तो ललन सिंह को आज बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी। हालांकि उनके नाम की चर्चाएं पहले से चल रही थी, ऐलान भी हो गया था, लेकिन आज औपचारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो ललन सिंह पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक बार फिर से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वो कमान संभालने वाले हैं। तो पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हो गई है, तो बैठक में तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हो गए हैं। तो बैठक शुरू हो गई है, तो बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान भी किया जाएगा। हालांकि इससे पहले ही चर्चाएं चल रही थी, ऐलान भी कर दिया गया था, लेकिन आज औपचारिक तौर पर आज ऐलान हो जाएगा नाम का। ललन सिंह का नाम आज औपचारिक तौर पर ले लिया जाएगा, ऐलान कर दिया जाएगा, तो ललन सिंह को आज बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। तो वहीं कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह भरा माहौल है, तो ललन सिंह पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, तो इससे पहले भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो एक बार उन्हें फिर से उनके नाम पर मोहर लग गई है। तो पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हो गई है। तो जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हो गई है, तो बैठक में तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हुए हैं। तो बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो रहा है, तो ललन सिंह को आज बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी।
तो आज उनके नाम पर मोहर लगने वाली है। औपचारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो ललन सिंह एक बार फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर दूसरी बार वो काबिज हो रहे हैं। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को का नाम आज ऐलान कर दिया जाएगा उनका। तो वही औपचारिक तौर पर आज ऐलान हो जाएगा। तो आज औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। तो बैठक शुरू हो गई है। तो वही बैठक के बाद उनके नाम का औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया जाएगा। ललन सिंह दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पद संभालेंगे। तो वही नामांकन का अंतिम दिन था रविवार। तो उनके नाम उनके अलावा अन्य किसी व्यक्ति ने पर्चा भी दाखिल नहीं किया था। तो उनके नाम को लेकर पहले से ही चर्चाएं की जा रही थी। तो वही आज उनके नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा औपचारिक तौर पर। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक बार फिर से वो पदभार संभालने वाले हैं। तो कई बड़ी जिम्मेदारियां भी उनको सौंपी जा सकती है इस दौरान। तो गौरतलब है कि ललन सिंह की तरफ से शनिवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नई दिल्ली स्थित जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया गया था। तो ये नामांकन तीन अलग अलग सेट में जेडीयू के राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी अनिल हेगड़े के समक्ष किया गया था। तो प्रत्येक नामांकन के सेट में 10-10 प्रस्तावक बनाए गए थे। लेकिन आज मीटिंग चल रही है और ललन सिंह दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे पार्टी के। तो दूसरी बार वो पदभार संभालने वाले और कई बड़ी जिम्मेदारियां भी उनके कंधों पर होंगी। तो जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का आज नाम का ऐलान कर दिया जाएगा औपचारिक तौर पर। उनके नाम का ऐलान हो जाएगा। तो वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर दूसरी बार वो काबिज हो रहे हैं। तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का निर्विरोध उन्हें चुना गया है। तो नाम की चर्चाएं पहले से थी, ऐलान भी कर दिया गया था। लेकिन आज औपचारिक तौर पर बैठक के बाद उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा और वो दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काबिज हो जाएंगे, पदभार संभालेंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता रजनी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है। तो रजनी, जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हो गई है। कुल 250 उसमें परिषद के सदस्य हैं और तमाम सदस्य पहुंच चुके हैं और इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है। आज औपचारिक नाम का ऐलान होना है, ललन सिंह के नाम का ऐलान होना है। ये सब औपचारिक मात्रा है, लेकिन साथ ही साथ आज पार्टी की बहुत अहम बैठक है क्योंकि जो कुर्मी उपचुनाव में हार हुई है जेडीयू की, उस पर चर्चाएं होंगी। साथ ही साथ किस तरह से देश में अगले और जो चुनाव आने वाले हैं उसकी तैयारी किस तरह से जेडीयू करेगी, कितने प्लेटफॉर्म पे उतरेगी, कैसी इनकी व्यवस्थाएं होंगी, इन तमाम बातों पर चर्चाएं की जाएंगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री आज औपचारिक तौर पे ऐलान करेंगे कि ललन सिंह को पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है और बड़ी भूमिका होगी ललन सिंह की, इस बात का एक ऐलान किया जाएगा। और साथ ही साथ आज की इस बैठक के बाद कल खुला अधिवेशन किया है पार्टी ने। जी बिल्कुल, क्योंकि कुर्णी की आपने बात की थी, तो कुर्णी के में जो हार के बाद है, कहा जा रहा है कि विपक्षी भी काफी ज्यादा हमलावर हो गया था इसमें, उसको लेकर भी आज मंथन किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कुर्मी का जो सीट था वो आरजेडी की सीट थी और आरजेडी ने पैकअप करने के बाद से ये सीट जेडीयू के खाते में डाली थी और पूरा का पूरा जोर लगा दिया था महागठबंधन में। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो, वो दोनों साथ साथ जाते थे। इस ये जो चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, इसमें जो पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और ऐसे में बीजेपी का जीत जाना कहीं ना कहीं ये आईना दिखाने वाली बात हो जाती है, क्योंकि बार बार बीजेपी ये हमला करती रही थी कि नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार पलटी मारते हैं तो जनता को ये बात समझ में आने लगी। और बताते चले कि जो आरजेडी के लोग हैं वो भी अब तानाकशी करने लगे हैं कि जिस तरह से पार्टी की हार हुई, हमने अपनी सीट दी नीतीश कुमार को,
और अपनी सीट रेडी हो खुद ही, और बावजूद इसके इस सीट पे अगर हार मिली हो, जो कुर्मी के विधायक थे उन्हें अनुशासनहीनता के मामले में हराया गया था, आगे दिखे और इसे हटाया गया था। तो ऐसे में इनको इस बात का मलाल रहा कि आखिर पार्टी ने इतना बड़ा रिस्क लिया, बावजूद इसके मुख्यमंत्री रहते हुए, जेडीयू के मुख्यमंत्री के रहते हुए तमाम ताकतों की लगाने के बावजूद भी इस सीट पर जीत नहीं मिली, ये एक बड़ी करारी हार मानी जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल रजनी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि दूसरी बार ललन सिंह को जेडीयू की कमान सौंपी जा रही है, क्या कुछ खास उनके अंदर पार्टी को दिखाई दिया है क्योंकि दूसरी बार ये कमान उनको सौंपी जा रही है? देखिए बताते चले कि पिछले कुछ दिनों में जो पार्टी के अंदर की बात थी, पार्टी दो खेमे में बटा हुआ था, एक खेमा ललन सिंह का खेमा था तो दूसरा खेमा आरसीपी सिंह का खेमा था, और शुरू से ललन सिंह इस बात की दावेदारी करते रहे थे कि जेडीयू के साथ सबसे ऑनेस्टी से वो है, और इस बात को तब ये बात तब प्रूफ हुई जब आरसीपी सिंह ने पार्टी के साथ बगावत की और इस बात को मुख्यमंत्री को भी समझाने में ललन सिंह को देर दे लगी, और खासे करीबी माने जाते रहे ललन सिंह, शुरू से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जुड़े हैं, तो ये एक औपचारिक ऐलान मात्र है ललन सिंह का आज पार्टी में, लेकिन पार्टी में जो उनका कद है वाकई वो कद काफी महत्व रखता है, मुख्यमंत्री के बाद उनके कद को माना जाता है, और ललन सिंह भी कहीं तमाम बातों को चाहे कार्यकर्ता हो या पार्टी के सदस्य हो वो जरूर मानते हैं, तो पार्टी में उनकी काफी अहम भूमिका है, बिहार की तमाम राजनीति में जेडीयू की जो भूमिका है उसमें खास अहम भूमिका है, इसलिए ललन सिंह को खास तरजीह दी जाती है पार्टी जी, क्योंकि रजनी अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, उसको लेकर पार्टी क्या कुछ रणनीतियां तैयार की जा कर रही है और क्या कुछ चुनौतियां क्योंकि पार्टी के सामने है, क्योंकि विरोध के सुर उठने भी शुरू हो गए पार्टी के अंदर ही अंदर, वहीं पर कुर्नी में हार के बाद जो है जेडीयू पर विपक्ष लगातार हमलावर है, क्या कुछ चुनौतियां उनके सामने अब आगे? बिल्कुल देखिए जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद के जो सदस्य हैं वो कुल 250 के करीब है, पूरे देश में ये जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं वो 250 के करीब है, और ये 250 के 250 जो सदस्य हैं उनका जमावड़ा आज पटना में हुआ है, जेडीयू ऑफिस के सभागार में इनकी ये मीटिंग है, तो कहीं ना कहीं आज वो रणनीति तय की जाएगी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें पार्टी की क्या भूमिका होगी, पार्टी किस तरह से अपने आप को पेश करेगी, बिहार की राजनीति के बाद अब देश की राजनीति में क्या कुछ अहम भूमिका होगी, इन तमाम बातों की चर्चाएं की जाएंगी कि जहां जहां हार हुई है पार्टी की वहां पे किस तरह से और जोर लगाई जाए या फिर नई रणनीति किस तरह से लिखी जाए ताकि पार्टी वहां पे जो परास्त हुई है वहां पे उन्हें जो जिस तरह की शिकस्त से बाहर कैसे आ जाए, इन तमाम बातों पर चर्चाएं होंगी और ये तमाम सुझाव मुख्यमंत्री लेंगे और उसके बाद मंथन होगा और कल होगा खुला अधिवेशन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रजनी आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकार वार्ता की है, तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है, इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, उनके आदर्शों से 27 साल के बाद भी एक विकास के मुद्दे पर चुनाव जीतना ऐतिहासिक विजय का परिणाम है। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के प्रति शुभकामनाएं भी उन्होंने व्यक्त की और आगे कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस का परिणाम सबसे खराब माना गया है जो लगातार गिरता ही जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश के चुनाव पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है लेकिन वोट का प्रतिशत 0.9% ही रहा है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, तो सीएम योगी ने आज सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार भी लगाया, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां करीब 800 लोग अपनी फरियाद लेकर सीएम योगी के पास आए, तो सीएम ने खुद एक एक करके फरियादियों की समस्याओं को सुना और उन्होंने सभी को कार्रवाई और मदद का भरोसा भी दिलाया। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक प्राइवेट कंपनी के निशुल्क भोजन वाहन को गोरखनाथ मंदिर में हरी झंडी दिखाकर रवाना भी कर दिया है, इससे पहले भी इस समूह ने गरीबों के लिए निःशुल्क वाहनों की शुरुआत की थी। खबर हरदोई से है जहां मंझिला इलाके के एक परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित की बहन ने डीएम को पत्र भेजकर शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उसके भाई पर फर्जी मुठभेड़ में
गोली मारने का आरोप लगाया गया है। बहन का कहना है कि निर्दोष भाई को राजनीतिक षड्यंत्र के चलते पुलिस फंसा रही है। आरोप है कि इरफान की गिरफ्तारी की खबर सुनकर उनके पिता फारूक की हार्ट अटैक से मौत भी हो गई है, जिससे पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इरफान की बहन चांदनी ने कहा कि राजनीतिक दबाव में पुलिस ने झूठे मुकदमे में उसके भाई को फंसा दिया है। मेरा नाम चांदनी है और मैं पैगुसराय से आई हूँ और मेरे भाई को झूठे केस में फंसा कर उसको गोली मारी और मेरे पापा को पता चला तो उनको अटैक पड़ गया और उसको न्याय मिले। अब सब जगह हम लोग यहाँ पे इस कार कर दिए, उसको न्याय मिलना चाहिए मेरे इरफान को। मेरा नाम तो वही बिहार के गया डोबी मुख्य सड़क मार्ग पर पहाड़पुर गांव के पास ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 22वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया है। तो इस बार कुल मिलाकर 69 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए हैं। इसमें 8 विदेशी कैडेट्स भी शामिल हैं, तो 8 विदेशी कैडेट्स को भी शामिल किया गया है, जिसमें भूटान के 5, श्रीलंका के 2 और वियतनाम देश के 1 कैडेट्स का नाम शामिल है। तो आज बिहार के गया में OTA में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 69 जेंटलमैन कैडेट्स आज पास आउट हुए हैं, जिसमें 8 विदेशी कैडेट्स भी शामिल हैं। प्लास्टिक मुक्ति अभियान भारत सरकार के जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, तो वही सुल्तानपुर जिले के गांव को प्लास्टिक मुक्त अभियान का शुभारंभ जिले में 3 दिवसीय दौरे पर आई मेनका संजय गांधी ने जनपद के पीपी कमैचा ब्लॉक से किया है। सांसद ने प्लास्टिक मुक्त अभियान जिम्मेदारी DPRO के RK भारती को सौंप दी है। तो सांसद की पहल पर ब्लॉक मुख्यालय पर प्लास्टिक निस्तारण किया जाएगा। तो प्लास्टिक मुक्ति अभियान भारत सरकार के जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चल रहा है, हमारा पंचायत राज विभाग का जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है उसी का एक अंग है, क्योंकि प्लास्टिक से जितने प्रदूषण और जितनी गंदगी गांवों में फैलती है, जहां के यहां आप देख भी रहे हैं कि इस तरीके से प्लास्टिक गांवों में कितना फैला रहता है, तो जब तक ये प्लास्टिक को अपने यहाँ से मुक्त नहीं किया जाएगा, गाँव से इसको समाप्त नहीं किया जाएगा, तो इसी को समाप्त करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। आज जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक गंदगी गांवों की समाप्त नहीं। तो सुल्तानपुर जिले के गांवों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एक अभियान का शुभारंभ कर दिया गया है, शुरुआत कर दी गई है। तो जिले में 3 दिवसीय दौरे पर आई मेनका संजय गांधी ने जनपद के पीपी कमैचा ब्लॉक से इसकी शुरुआत कर दी है। तो सांसद ने प्लास्टिक मुक्त अभियान की जिम्मेदारी DPRO RK भारती को सौंप दी है। तो सांसद की पहल पर ब्लॉक प्रमुख मुख्यालय पर प्लास्टिक निस्तारण भी किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।